राजस्थान ओलंपिक संघ के सचिव अरुण सारस्वत का पाली आगमन पर जिला ओलंपिक द्वारा स्वागत किया गया। जिला ओलंपिक संघ के सचिव राजेश पाटनीचा ने बताया कि राजस्थान ओलंपिक संघ के सचिव एवं राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण सारस्वत जोधपुर से सिरोही जाते वक्त पाली में जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों से जिले में खेल गतिविधियों के बारे में चर्चा की। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी में खिलाड़ियों व जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब खेल गतिविधियां पुनः शुरू हो रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ी इस बार बड़ी संख्या में जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे और पदक प्राप्त करेंगे। जिला ओलंपिक संघ की ओर से अरुण सारस्वत का साफा व माला से स्वागत व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष वासुदेव शर्मा, बांगू सिंह, साथी सचिव राजेश पाटनीचा, किशन लाल बिवाड़ा, योगेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह भाटी, रफीक चौहान, पीयूष दिनकर, निखिल छवि आर्य, मोना रानी व नाथुराम धीरेन्द्र गहलोत, पायल आर्य व योगेश्वरी आर्य, योगेंद्र देवरा आदि सहित कई खिलाड़ी उपस्थित रहे। कारण पाली आने का कारण तो मेरे को जोधपुर चुनाव हुए थे, राजस्थान आटे पाटे संघ के, उसमें गया था मैं और वहाँ से लौटते टाइम पाली चूंकि बीच में आई है तो सब अपने बाहर लोगों से मिलना मैंने अच्छे समझा। अब ओलंपिक के अगर ऊपर देखें अपन तो राय हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला ओलंपिक है जहाँ हमारे हाइएस्ट आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोग 126 हमारे खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है और वो भाग लेने जा रहे हैं। 228 सदस्यों का दल भारत की ओर से ओलंपिक टोक्यो में भाग लेने जा रहा है जिसमें हमारे टेक्निकल अधिकारी, PGO, सपोर्टिंग स्टाफ, मेडिकल टीम और 126 खिलाड़ी। और मेरे को ये उम्मीद है जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा साहब के जो प्रयास हैं उन्होंने भरसक रूप से जो सुविधाएँ खिलाड़ियों को दी हैं आज हम ये कह सकते हैं कि आज तक के इतिहास में भारत में ये 2021 का वर्ष ओलंपिक के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जिसमें लगभग 15 और 17 मेडल भारत को मिलने चाहिए।